नमस्कार स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि लिमिट ऑर्डर के फ़ायदे क्या है और ज़ीरो दाम में लिमिट ऑर्डर कैसे लगाया जाता है तो चलिए सीधे चलते हैं काइट के ऊपर और देखते हैं लिमिट ऑर्डर के बारे में जैसे ही हम लॉग करते हैं जो भी स्टॉक आपको बाय करना होता है वो आपको वहाँ पर लिस्ट में दिखाई देता है जैसे कि हमने यहाँ पे जे और टाटा स्टील जैसे स्टॉक ऐड करके रखे हैं अब जो भी स्टॉक हमें बाय करना है या फिर सेल करना है वो दोनों में आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो मान लो यहाँ पे मुझे वेस्ट कोस्ट पेपर जो कि हमारी दूसरी वॉचलिस्ट में ऐड है स्टॉक उसे बाय करना है सिर्फ आपको क्या करना है स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करना है बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेगुलर कवर एमओ ये तीन चीजें दिखाई देंगी आप लिमिट ऑर्डर जो है वो कवर ऑर्डर में भी लगा सकते हो जो कि इंट्राडे में लिए यूज़ होता है रेगुलर में भी लगा सकते हो जो कि आप कैश एंड कैरी के लिए या फिर इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो सबसे पहले हम रेगुलर में देखेंगे उसके बाद कवर ऑर्डर में देखेंगे किस तरीके से लिमिट ऑर्डर लगाया जाता है लिमिट ऑर्डर क्या होता है दोस्तों कि आपको निगोशिएट करने के लिए चांस देता है आप कभी भी कोई भी मार्केट में जाते हो अगर किसी चीज़ का प्राइस आप सौ रुपये देखते हो तो आप उस आदमी से जो बेच रहा है उससे नीगोशिएट करते हो कि भैया नाइन्टी रुपीज़ में दे दो उसी तरीके से आप जब भी स्टॉक बाय करते हो तो आपको वहाँ पे निगोशिएट करना है कि थोड़े कम प्राइस पे मुझे ये बाय करना चाहिए जैसे वेस्ट कोस्ट पेपर अभी प्राइस चल रहा है टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट थर्टी मतलब मार्केट प्राइस इसका चल रहा है टू सिक्सटी सिक्स पॉइंट थर्टी लेकिन आपको ये टू सिक्सटी फाइव पे बाय करना है तो लिमिट ऑर्डर आप अगर, करते हो, यहाँ टाइप में आप अगर मार्केट करोगे, तो मार्केट के तो प्राइस एडिट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से आप एडिट कर सकते हो भले आप क्वांटिटी कितनी भी सिलेक्ट करो आप एक क्वांटिटी ले लो दस क्वांटिटी ले, ले लो सौ क्वांटिटी ले लो वो आपके ऊपर है लेकिन प्राइस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे टू सिक्सटी फाइव पर बाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा निगोशिएट करूंगा टू सिक्सटी फाइव ऑर्डर यहाँ पे लगा दूंगा यहाँ से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो आप इंट्राडे में भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो लॉन्ग टर्म पे भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो इंट्राडे में आपको क्या करना होता है सवा नौ बजे अगर स्टॉक बाय करते हो तो साढ़े तीन से पहले बेचना होता है लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक होल्ड कर सकते हो यही चीज़ आप कवर ऑर्डर में भी कर सकते हो कवर ऑर्डर आप अगर सिलेक्ट करोगे तो कवर ऑर्डर में क्या होता है आपको लिमिट में मिलता है और मार्केट भी टाइप मिलता है यहाँ पे लिमिट में आप क्या करते हो टू सिक्सटी फाइव मतलब आपकी प्राइस जो है निगोशिएट करके यहाँ पे लगाते हो उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी लगाना होता है कवर ऑर्डर के बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं तो यहाँ पे लिमिट आप किसी भी ऑर्डर टाइप में सेलेक्ट कर सकते हो रेगुलर में कवर में या फिर एएमओ में एम ओ में तो आपको लिमिट ऑर्डर ही लगाना पड़ता है वो मार्केट बंद होने के बाद आपको ऑर्डर लगाना होता है जैसे ही आप एमओ में जाओगे तो आप वहाँ पे लिमिट ही ऑर्डर सेलेक्ट करना होता है एएमओ में आपको मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि ए का नाम ही है आफ्टर मार्केट ऑर्डर तो वो ऑर्डर आपको मार्केट साढ़े तीन बजे खत्म होने के बाद ही लगाना पड़ता है दूसरे दिन के लिए तो वहां पे आपको लिमिट ही सिलेक्ट करना होता है जो कि आप निगोशिएट करके प्राइस लगाते हो तो तीनों ऑर्डर टाइप में आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हो रेगुलर में ही करेंगे हम जैसे मुझे टू सिक्सटी फाइव पे बाय करना है और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट सिलेक्ट कर दिया हमारा प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया अब हम क्या करेंगे स्वाइप टू बाय करेंगे स्वाइप टू बाय जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और जो ऑर्डर प्लेस हो गया है वो ऑर्डर बुक में चला जाएगा ऑर्डर बुक में जैसे ही हम जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं ये देखिए बाय ऑर्डर हमने यहाँ पे लगाया है सी सी में खरीदा है और लिमिट लगाया है लिमिट हमें क्या बताता है कि हमारा जो ऑर्डर है अभी ओपन है लेकिन जब भी भी मार्केट में 265 का प्राइस आ जाएगा हमारा ये स्टॉक बाय हो जाएगा करंट प्राइस चल रहा है 266.80 मतलब करंट प्राइस से मैंने नीचे का ऑर्डर लगाया है मैंने प्राइस को नीगोशिएट किया है मैं इसी प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ इसकी वजह से ये थोड़ा सा निगोशिएशन किया है अब जैसे ही ये टू को आएगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा मेरा वो स्टॉक बाय हो जाएगा यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं हमने कवर ऑर्डर में एक स्टॉप लॉस लगा के रखा है जो हमने जी एस डब्ल्यू बाय किया था अब यहाँ पे क्या किया है हमने ये जो है ये लिमिट में ऑर्डर सेट करके रखा है स्टॉप लॉस का कि जैसे ही प्राइस 667 को आ जाएगी मेरा ये सेल हो जाएगा तो यहाँ पे आप सेल में भी लिमिट सेलेक्ट करके ऑर्डर लगा के रख सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बाय में लगाते हो आप सेल में भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो सेल में क्या होता है नॉर्मली हम जब होल्डिंग के स्टॉक सेल करने के लिए जाते हैं जैसे आप अगर पोर्टफोलियो में जाएंगे तो यहां पे बहुत सारे होल्डिंग के स्टॉक हैं अगर ये मुझे बेचने होंगे तो मैं क्या करूंगा लो मुझे सी बेचना है तो एग्जिट एग्जिट में में जाने के बाद यहां पे लिमिट सेलेक्ट करूंगा मार्केट सेलेक्ट करूंगा तो मार्केट के ऊपर सेल हो जाएगा लेकिन जैसे ही लिमिट सेलेक्ट करूंगा यहां पे मुझे प्राइस चेंज करने का ऑप्शन हो जाएगा अवेलेबल हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे अगर करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा पे सेल करना है तो यहाँ पे ये मैं लिमिट सिलेक्ट करके ऑर्डर लगा के रख सकता हूँ कि मुझे ये एक्स्ट्रा प्राइस के ऊपर सेल करना है अगर 1230 के ऊपर मुझे सेल करना है तो 1230 सौ यहाँ पे मैं प्लस करूँगा ऑर्डर और, और वेट करूंगा जब तक 1230 नहीं आ जाता मेरा ऑर्डर वो पेंडिंग रहेगा इस तरीके से आप यहाँ पे सेल के लिए भी ऑर्डर लगा सकते हो और बाय के लिए भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो लिमिट ऑर्डर आपको सिर्फ निगोशिएट करने का एक चांस देता है कि आप कम प्राइस पे बाय कर सकते हो और ज्यादा प्राइस पे भी सेल कर सकते हो तो जब भी आप ट्रेडिंग करें या फिर निवेश करें तो थोड़ा लिमिट ऑर्डर का ज्यादा यूज करें क्योंकि मार्केट ऑर्डर पे आप अगर सिलेक्ट करते हो तो करंट मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आपका स्टॉक बाय या फिर सेल हो जाता है तो बाद में वो स्टॉक नीचे आ जाता है तो आपको थोड़ा सा दुख होता है कि अरे मैंने थोड़ा वेट करना चाहिए था इससे अच्छा है कि थोड़ा एनालिसिस करके पहले ही थोड़ा कम प्राइस लगा दो और उसके बाद बाय करो तो ये था वीडियो दोस्तों लिमिट ऑर्डर के बारे में किस तरीके से लिमिट ऑर्डर जीरो तो हमें लगा सकते हैं आप किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ये सारा डिस्कशन आज हमने आपको दिखा दिया डेमो दिखा दिया किस तरीके से लिमिट ऑर्डर लगाती है लगाई जाती है आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद